मंगलम जनम। कितना सारा गिफ्ट मिल रहा है इनको, बेस्ट विशेस। तो दोस्तों बच्चों लोगों के साथ विशिंग मिल रहा है मैम को। क्या बनना है आपको? सर बनना है। लोग क्या क्या बच्चों के लिए पैक करवाए हैं वो देख लेते हैं। ब्रेड चॉप है, ये भी 8 पीस है। हेलो मेरे दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार जोहार। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग एक सरकारी स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं बच्चों लोगों के साथ और इन्जॉय करने वाले हैं। साथ में हम लोग बच्चों को स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और भी कुछ करने वाले हैं साथ में। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है और आप लोग को ये भी जानने को मिलेगा कि किसका हम लोग जन्मदिन आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ले चलते हैं स्वीट शॉप और दिखाते हैं क्या कुछ हम लोग बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से 10 कदम की दूरी पर आपका खेलगांव चौक है और इधर आप चले जाएंगे सीधे कोकर, इसके जस्ट थोड़ा सा आगे वो सुरेंद्रनाथ स्कूल पड़ेगा और सामने इनका स्वीट शॉप है अनमाही स्वीट्स एंड नमकीन करके। और देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश और ताज़ा रहता है इनके पास सारा चीज़, तो इनके पास काफ़ी भीड़ होता है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको कुछ वगैरह स्नैक्स वगैरह पैक कराना तो यहाँ आके पैक करवा सकते हैं आप। तो थोड़ा चलिए जानते हैं कैसे पीस देते हैं समोसा वगैरह। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत कुमार है आपका, और क्या क्या आपके पास रहता है, क्या क्या बेचते हैं आप? मेरे पास ये समोसे, कचौड़ी, जलेबी, मतलब बहुत सारे आइटम है आपके पास। खाना भी रहता है। खाना? अच्छा, खाना वगैरह भी है ना, और समोसा चाट वगैरह भी देते हैं क्या आप? हाँ, बनाते हैं। अच्छा, क्या समोसा वगैरह क्या प्राइस देते हैं आप? 8 रुपये पर पीस करेंगे। 8 रुपये पर पीस है ना, मतलब सारा जितना भी आपके पास सब 8 रुपये है। लौंग लता है, ये बहुत ही फेमस मिठाई है, इधर लोकल मिठाई है, ये 8 रुपये पीस है। और कचौड़ी 8 रुपये पीस। ये ब्रेड चॉप है, ये भी 8 रुपये पीस है, देख सकते हैं। ये ब्रेड चॉप है, ये भी 8 रुपये पीस है। और ये काजा मिठाई है, साथ में बालूशाही है, और भी इनके पास स्वीट्स वगैरह है, दिखाएंगे। इनके पास शुद्ध शाकाहारी भोजन भी अवेलेबल है और काफ़ी साफ सुथरा रखे हुए, देख सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या बच्चों के लिए पैक करवाए हैं वो देख लेते हैं। भैया क्या क्या पैक किए हैं? तो ये हम लोग का पैकिंग है ना, ये क्या, ये मतलब सारा अलग अलग पैक किया, एक ही में पैक किया आप? अच्छा अच्छा, उसी डब्बा में डाल के और पैक किया। तो एक डब्बा खोल के मुझे दिखाइए ना क्या क्या पैक किए हैं आप उसमें, और नाम भी बता दीजिए क्या क्या उसमें डाले हैं आप। समोसा, कचौड़ी, लौंग लता और एक छेना का मिठाई है। छेना की मिठाई है ना। तो दोस्तों हम लोग 2 मिठाई स्वीट्स डलवाए हैं और 2 नमकीन है, तो ये हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों को। तो टोटल कितना पैकेट? 90 पैकेट बोले थे ना आपको, कि 80 पैकेट बोले थे ना। तो देख सकते दोस्तों 80 पैकेट हम लोग को पैक होकर रेडी हो चुका है, इधर भी है और एक कार्टून इधर भी है, साथ में एक कार्टून इधर भी पैक किए हुए हैं। तो अभी हम लोग का गाड़ी आने ही वाला है और फिर इसको हम लोग लेके जाएंगे स्कूल में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं स्कूल, देख सकते यही सरकारी स्कूल है, इसी में हम लोग बच्चे लोगों के लिए आज छोटा सा प्रोग्राम करने वाले हैं। तो देख सकते हैं हम लोग का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, इधर हम लोग मस्त जो डब्बा पैक करवाए थे वो भी इधर आ चुका है, देख सकते हैं। और इधर हम लोग का बच्चे लोगों को देने के लिए कुछ स्टेशनरी का सामान है, ये पेन वगैरह है और पेंसिल वगैरह भी है, कटर वगैरह भी है, देख सकते हैं। ये सब हम लोग बच्चे लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैम सबसे पहले आपको जन्मदिन का बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों मैम का ही बर्थडे है और ये सारा प्रोग्राम मैम का ही किया हुआ है, आज ये कुछ अलग तरीके से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं अब बच्चों लोगों के साथ। तो मैं भी आप लोग को यू वेलकम मैम, और हम लोग को बताने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। यू वेलकम मैम, यू वेलकम। तो दोस्तों बच्चों लोगों के साथ विशिंग मिल रहा है मैम को। थैंक यू। हाँ अमृता, तो दोस्तों देख सकते हैं मैम के लिए गिफ्ट एक कितना क्यूट बनाई है, ये स्पेशल गिफ्ट है मैम के लिए। थैंक यू। पहनी चो, पहनी चो।
तो देख सकते हो दोस्तों, ये दिल से बनाया हुआ गिफ्ट है इन छोटे नन्हे मासूम बच्चों का दिल से। क्या बात है, तो देख सकते हैं कितना सारा गिफ्ट मिल रहा है इनको। बेस्ट विशेस। कितना प्यारा प्यारा विशेष और गिफ्ट मिला है मैम को। मैम कैसा लग रहा है आपको? देखो ना कितना डिजाइन। तो टैलेंट का कमी नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं हमारे इंडिया में। तो हाँ, इमोजीज वगैरह बना हुआ है। बाप रे, ये सब प्लस कैसे बनाए? चलो, हाथ से कटिंग करते हैं। कितना मेहनत किया है। ऐसा बर्थडे तो मेरे को भी मनाना है। क्या नाम है आपका? प्रिंस। बड़े होके क्या बनना है आपको? सर बनना है। सबको सर और मैडम ही बनना है। सब मैडम बनेगा ये लोग। डॉक्टर तो बनना है। डॉक्टर इंजीनियर आएंगे से आएगा। अरे पुलिस बनना है। डॉक्टर बनोगे? वेरी गुड। क्या बनना है बड़े होके? अरे वाह, देश का सेवा, देश का सेवा करेगा ये। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? प्रिंस। क्या बनोगे बड़े होके? प्रिंस। डॉक्टर। हमारा बेस्ट फ्रेंड है प्रिंस। दोनों प्रिंस। क्या बनना है? क्लैप क्लैप क्लैप, सब कोई क्लैप करो। डॉक्टर बनना है। निकाल रे गोरी, कपड़ा पिंधा ले रे मच्छर कर चमड़ी। फिर से गाओ, फिर से एक बार। एक बार और छोटू, एक बार और दूसरा वाला एक बार और। एक दो तीन चार, रोजा छोड़ी होशियार, बच के तो जाबे कहां रे, अपन का ना बे घर रे, तू बन जा टू 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 जापो तो के रे गोरिया बना ले बुमा। ताली बजाओ। तो दोस्तों, हम लोग का प्रोग्राम काफी अच्छा रहा और काफी मजा भी आया बच्चों लोगों के साथ ये बर्थडे सेलिब्रेट करके। हमारे साथ मैम अमृता मैम है और सर भी है, मयंक सर भी है और हमारे साथ सारी मैडम लोग हैं। तो मैडम लोग से जानते हैं कि ये कैसा लगा। हम लोग का एक छोटी सी शुरुआत है और लोगों को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैडम लोग से जानते हैं। मैम आप लोग बताइए कैसा लगा? हम लोग एक छोटा सा कोशिश है ये, ऐसे स्कूल में हम लोग छोटे से खुशियों को बांटते हैं बच्चों के लोगों के साथ, जिसे आज हम बांटे। आप लोग कैसा लगा थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। बहुत अच्छा लगा। और बताइए कुछ ऐसा, मतलब और लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों को और करना चाहिए, हम लोग को सही तौर करना चाहिए। बच्चे इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और सबसे ज्यादा खुशी हम लोग को सेलिब्रेट करने में क्या लगा कि बच्चे के चेहरे पर खुशी आया। तो
दोस्तों ऐसे ही आप छोटे छोटे खुशियां बांट सकते हैं इन बच्चों के साथ, और बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे छोटी छोटी खुशियां आप लेके जाएंगे और छोटे छोटे कुछ आप गिफ्ट वगैरह उनको देंगे तो बहुत खुश होते हो। तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप जरूर ऐसे ट्राई करिए, अपने लाइफ में खुशियां बांटिए छोटे बच्चों के साथ। तो चलिए फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना रहेगा, धन्यवाद। बाय।